तब तक हवा वाला कोई नहीं मिलता, हवा की दुकान या पंचर की दुकान, तब तक थोड़ा आज बच के चलना पड़ेगा क्योंकि everyone, welcome back to yet another video. तो इस सुबह के बज रहे सही सात वही होंगे, 6:30-7 बज रहे होंगे और आज जा रहे हैं संडे राइड पे. पहले इसको बाहर निकाल ले फिर आपसे बात करते हैं. ओके सो ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस येट अनदर वीडियो. सुबह के बज रहे 7, आज है संडे. जल्दी से जा रहे संडे राइड पे, लेट तो हो ही गए हर बार की तरह. लेट को ज़्यादा हो गया. पहले कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट. ऑलराइट गाइस, तो आ चुके हैं, सॉरी जा रहे हैं संडे राइड के लिए. सुबह के बज रहे 7 और ठंडी ऑन इट पीक. भाई ग्लव्स देखो, ग्लव्स, राइडिंग जैकेट, पैंट, बूट सब कुछ पहन लिया पर फिर भी ठंडी लग रही है. अब पता नहीं मेरे पैंट और जूतों के बीच में इतना गैप हो गया है, उसमें से और ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही है तो और हालत ख़राब हो रखा है. वैसे भाई को लोकेशन पे बुलाया है, मीटअप के लोकेशन पे, तो देखते हैं भाई अपना आया है या बाकियों की तरह उसने भी टेका दे दिया है. मोटर टॉक सुबह गदर मचाते हुए हाँ हीरो क्या स्टोरी बना रहा था क्या? स्नैप निकल रहा था रे. ओके सो ऑलराइट एवरीवन, वी आर एट आवर मीटअप पॉइंट, आ चुके हैं अपने लोकेशन पे और एचपी पेट्रोल पंप. यहाँ पे बुलाया था भाई को, भाई आ चुका है. और ये आज का लाइनअप, क्लासिक 350 और ये होंडा हॉर्नेट, हॉर्नेट सॉरी यूनिकॉर्न. तो अभी प्लान अभी डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है क्योंकि अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है. तो अभी डिसाइड करते हैं आगे कहाँ जाएंगे, हाईवे पे जाना है या कहीं जाके चिल करना है. तो पहले पेट्रोल भराते हैं, पेट्रोल भरा के जो होता है जैसे फाइनल होता है फिर स्विच करते हैं मोटर ब्लॉक. अरे भाई हो चुका है, पंगा कर दिया था अभी यार इसने. अभी हवा चेक करने गए, हवा डालने के बदले मशीन ने हवा निकाल दी. 15-20 मिनट उससे ही बर्बाद हो गए, 8 बजने को आ गए. चलो लेकिन थोड़ा तो हवा आ गई है, नहीं बहुत कम है. आगे चल के दिखानी पड़ेगी, पंचर ना हो जाए बस. थोड़ा बच के चलना पड़ेगा. जब तक हवा वाला कोई नहीं मिलता, हवा की दुकान या पंचर की दुकान, तब तक थोड़ा आज बच के चलना पड़ेगा क्योंकि टायर दब रहा है. और ये काम इन महान आत्मा ने किया है, हवा डालने के बदले हवा बाहर निकाल दी. पहले 25 PSI था, यह महाराज ने कर दिया 18 PSI. भाई यही बस यही कर लो तुम. साला इधर ठंडी से जान निकली है इसकी, जगह हवा बजी शो ऑफ चल रहा है इसका, जैकेट खोल के तो ठंडी लग रही है बस.
ओके सो फाइनली हो चुका है, फाइनली हवा मिल गई, वरना इस गधे के हरकतों से आज पंचर होता था मेरा फिर से। आप दिखाते हैं रियल क्लासिक का पावर इसको। अब आ गई एनर्जी, अब आ गई कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तक 10-20 के स्पीड पे चल रहा था ब्रेक, हाँ सही है, अभी तक 10-20 के स्पीड पे चल रहा था। आप बताता हूँ इसको क्या है, क्लासिक 350। चलो अब लेते हैं संडे राइड के मजे। कैमरे में मैंने थोड़ा सा अभी सेटिंग कर दिया है क्योंकि अब हो गई थोड़ी सी रोशनी आ गई है। आप तब तक एग्जॉस्ट नोट के मजे लो। रोड उबड़ खबर है यार, नहीं तो 140 टच कर लेता था, ऊपर नीचे सब कर से होता है, मैं तो आराम से 140 टच कर लेता। अच्छा वीडियो ले लीजिए सर। ओके सो अभी है लाइट वेट मशीन, अब करते हैं 160 सीसी होंडा यूनिकॉर्न, इस पर करते हैं व्हीली का ट्राई। पीछे ओए ओए कैमरा चालू है, हाँ अब इस पर हम लाइट वेट है तो इस पर व्हीली का ट्राई करते हैं। नहीं हुई, रुक रुक गया, हुई थी थोड़ी सी और, कैमरा नहीं है ना, लग जाएंगे नहीं तो। नहीं हो रहा है, ओके सो ऑलराइट फाइनली थोड़ा बहुत घूम लिया है, यहाँ पे थोड़े से चिल कर रहे हैं, बाइक को दिया यहाँ पे रेस्ट। ये इस पर अभी थोड़ी सी व्हीलीज पॉप की है, वो वीडियो क्लिप इसका लगी गई होंगी, देख ही लिया होगा। और थोड़ा सा अभी इसको कूल डाउन करते हैं, फिर जाते हैं कहीं स्नैक्स लंच टाइप ट्राई करते हैं और फिर आगे दिखाते हैं क्या चलता है। ओके सो ऑलराइट फाइनली हो चुका है यहाँ पे एक स्टॉप कंप्लीट, अभी जा रहे हैं एक वो स्किड था, अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। भाई सुबह कुछ भी बोलो, सुबह सुबह अलग ही मजा है, जो लोगों ने टेका दिया है उनको तो मैं अभी बताऊंगा आगे चल के। पंचर हो गई क्या? नहीं।
जेनसन से लगा था, ये बढ़ गया फोकस। तो मेन ये जेनसन था लगा हुआ था, माउंट वही उखड़ गया। तो भाई अभी गोप्रो उड़ गया हमारा, यहाँ माउंट गया था गोप्रो उड़ गया। लेकिन चलो ठीक है, फाइनली ट्रक वाले भैया अच्छे थे, उन्होंने टाइम पे ब्रेक लगा दिया और वो दूर से इसलिए, और हमने भी ऐसा हाथ दिखा के उनको रुकने को लोग लगा दिया, भैया रुक जाओ कुछ तो गिरा है। तो बच गया भाई मैं, तो भाई चैनल की तो वाट लगती थी, इतने जल्दी तो गोप्रो नहीं लेता था मैं, चैनल की भी वाट लगती थी और पैसे जो बर्बाद होते वो तो अलग ही होते थे। लेकिन चलो ठीक है, फॉर्चुनेटली बच गया। केसिंग मेरी थी और मेन जो लेंस पे थोड़ा सा, लेंस के कवर पे थोड़ा सा स्क्रैच आया है, मतलब बॉडी को भी डैमेज नहीं हुआ है, साधारण डैमेज केस ने ले लिया है। तो चलो कहीं रुक के एक अच्छे से बताते हैं क्या हुआ, कितना टूटा क्या नहीं। ऑलराइट भाई, तो अभी गोप्रो उड़ गया था 120 के स्पीड पे और दिखाता हूँ हालत, गोप्रो सही सलामत है। वैसे एक जो मेजर स्क्रैच एक यहाँ पे आया है जो लेंस की रहती है, और बाकी पूरी बॉडी सलामत है। सारा डैमेज कवर ने अपने ऊपर ले लिया, मतलब सारे स्क्रैचेस जितना टूट फूट इस पे हुआ है। तो चलो भाई गोप्रो बच गया अपना, फाइनली 120 के स्पीड पे गिरा था और जैसे मैं चल रहा था और सडनली सामने से कुछ रियलाइज हुआ कि कुछ तो भी ऐसे पैर पे आके मेरे राइट फुट पे गिरा है। वीडियो प्ले कर देता हूँ। ऐसा फुट पे कुछ हैवी लगा और सामने देखा मैंने तो गोप्रो गायब था, मतलब सामने दिख नहीं रहा था। मतलब भाई अंदर हेलमेट के अंदर मेरी जान निकल गई, चीख निकल गई थी मेरी कि अंदर चीख पड़ा था मैं। और ये था सबसे पहले अंदर, ये गया और ये गया पीछे उठा के लेके आया, और पीछे एक ट्रक भी था। अच्छा वो ट्रक वाले ने देख लिया कुछ तो भी गिरा है, तो ट्रक वाला रुक गया और हमने उठाया गोप्रो चेक किया तो प्रॉपर वर्क कर रहा था, बस बाहर आउटर बॉडी पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए। तो चलो बस चलता रहता गोप्रो अपना, बच गया मेन चीज़ है गोप्रो बच गया, ताकि नहीं तो फिर चैनल भी डेड हो जाता। और चलो फिर अब यही एंड कर देते हैं व्लॉग, जो होना तो हो गया। इसी के साथ टिल द टाइम मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज आशीष सिंह साइनिंग ऑफ।